आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंदों का खुदा जो लश्करों का रब है, हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया बजा लाते हैं जिसने आज तक हमें अपनी पनाह में रखा है, सलामती बख्शी है, जिंदों की जमीन पे रखा है और हर तरह की परेशानियों मुसीबतों से बचा के अपने परों के साया के नीचे महफूज रखा है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। उसने हमें अनगिनत बरकतें दी हैं, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आ गया हमारी जिंदगी के लिए, शिफा के लिए, नजात के लिए और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए वो आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे साथ होता है, जब हम उसे उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो हम उसकी हजूरी को महसूस करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसने आज तक हमें थामा हुआ है, दुखों तकलीफों परेशानियों फिक्रों से उसने बचा के हमें अपने कदमों में झुकने का फजल अता करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें गिरने ठोकर खाने से बचाता है। हम क्यों ना उसका शुक्रिया अदा करें, हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने आज तक हमें संभाला, हमें सांस बख्शे, बीमारियों से शिफा दी और खुदा ने हमें आजमाइशों से निकाला, दुखों से निकाला और हमें अपना इलाही इत्मीनान बख्शा है। सो जब वो हमारे साथ है, हम उसे पुकारते हैं तो हम शादमान हैं, हमारे दिल शादमानी से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है। जब पुकारो वो आपके साथ है, जब पुकारो वो आपके साथ खड़ा है, हर मुश्किल में वो आपके साथ है, हर हालात में वो आपके साथ है और आपको खुशी देता है, शादमानी देता है, सरफराजी देता है, जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, खुदावंदों का खुदा है। आज के इस दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम सारी बहनें बेटियां मिलके उसके कदमों में आके झुके, दुआएं करें, शुक्रगुजारी करें, उससे बातें करें, अपना दिल उसके साथ लगाएं, उसके साथ रिफाकत रखें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि जिस तरह उसके शागिर्द उसके साथ रिफाकत रखते, रोटी तोड़ते, दुआ करते, तालीम पाते, हमें भी चाहिए कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत रखें और उसके नाम को अव्वल दर्जा दें, उसके नाम को सरबुलंद करें, क्योंकि वो ही हमारी जानों का लंगर, हमारा मालिक और हमारा खालिक है। हमें छुड़ाने वाला वो, हमें बचाने वाला वो, हमें संभालने वाला वो है, सलामती बख्शने वाला वो है। आज तक उसने हमारे घरानों को महफूज रखा, सलामती बख्शी और हर तरह की वबाओं बलाओं से उसने बचाया। आज के दिन के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह हम हर वेनसडे को हम इकट्ठी होती हैं, दुआएं करती हैं, उसका कलाम पढ़ती हैं, कलाम को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो ये हम सब के लिए बसे बरकत है, क्योंकि उसके कलाम में कुवत पाई जाती है, उसके कलाम में बरकत है, दिलेरी है, क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं और उसका कलाम उसकी खुशखबरी भी हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसमें हमें भी कुवत मिलती है, दिलेरी मिलती है और खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है।
खुदावंद अपनी बेटियों को बरकत देता है, अपनी गुवाही के लिए इन्हें इस्तेमाल करता है। हम इस जमीन पर उसके जिंदा गवाह हैं। जब तक खुदावंद ने हमें जिंदगी बख्शी है, हम उसकी गुवाही देते रहेंगे कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है। यीशु की कब्र खाली है, लोगों को हम बताएंगे, जाके गुवाही देंगे कि यीशु की कब्र खाली है। क्योंकि सबसे जो पहला खुशखबरी सुनाने का जो काम सौंपा गया वो एक औरत को सौंपा गया था, पर ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी, जिंदा होने की खुशखबरी औरत को सौंपी गई कि जाके लोगों को बताओ, लोगों को सुनाओ, शागिर्दों को बताओ, मर्दों को बताओ कि यीशु जिंदा है। बाइबल मुकद्दस में यहां पे कोई इम्तियाज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजल करूंगा। वहां औरतों का भी जिक्र है, वहां मर्दों का भी जिक्र है, बूढ़ों का भी जिक्र है, बच्चों का भी जिक्र है। यह नहीं कि सिर्फ मर्दों पर वो नाजल होगा, औरतों पर भी उसका पाक रूह नाजल होगा और वो कुवत पाएंगे और दुनिया की इंतहा तक उसकी खुशखबरी को फैलाते चले जाएंगे। सो आज हम उसकी बारगाहों में कदमों में झुके हुए हैं और हमारे दिल शादमान हैं, क्योंकि जब हम उसके पास आते हैं तो हम सारी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं, हम कुवत पाते, दिलेरी पाते हैं। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावन की बारगाहों में झुकेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावन इस इबादत में, इस रिफाकत में शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई करें, हमारे साथ साथ चले, हम उसकी पैरवी करें। सो हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे और अपने सरों को झुकाएं जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हों। दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, अपना दिल, अपनी निगाहें अपने मालिक की तरफ लगाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। हम यीशु को तकते हैं, हमारी निगाहें यीशु की तरफ, जो हमारी रहनुमाई करता और हमें जिंदगी की राह पर ले चलता है। दुआ में रहनुमाई मिसेस एलिजाबेथ करेंगी। अपने ध्यान को अपने मालिक की तरफ लगाइए स्लॉट, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। yes, वो अपने वादों में सच्चा है। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। yes, क्योंकि उसकी मौजूद की तादाद पर नहीं, वो हमारे दिलों को जानता है। कि हम सब बहने मिलकर उसकी बारगाहों में इकट्ठी हुई हैं, उसको मुबारक कहने के लिए आई हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं, उसके कलाम के भेदों को और जानने के लिए आई हैं। yes, शुक्र है जमीन आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, लेकिन तेरा प्यार, तेरा रहम, तेरा फजल है जो तू हमसे करता है, और उसके इवज में तू हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। इंसानों के लिए तंदुरुस्ती, सेहत के लिए तेरे शुक्र गुजार है, सबसे बढ़कर इस बेशकीमत वक्त के लिए कि तूने खुदा हमें आज का दिन ये मुकर्रर किया ताकि तमाम बहने हम इकट्ठी हो और ऐ खुदा तेरे कलाम के भेदों को जान सके, तेरे कलाम में से और सीखे, क्योंकि हमें सीखने की जरूरत है। जब तक हम जिंदा हैं हम और सीखते जाएंगे और कलाम के वादों को याद रखेंगे, क्योंकि ऐ खुदा तेरा कलाम सारा जो वादों से भरा है वो सच्चा है। yes. तेरे वादों के लिए शुक्रगुजार है जो हमेशा हाँ के साथ हैं। तू आज कल और अब तक यकसा खुदावंद है। हम बदल जाते हैं लेकिन तू नहीं बदलता। अर्दा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इन बहनों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरी हजूरी में आई हैं, तेरी हजूरी में आना पसंद किया है। ये मुबारक हैं जो तेरे घर में, तेरी बारगाहों में आई हैं।
आएगा तो इनके साथ हो, इनके खानदानों पर तेरी बरकत जारी और सारी रहे, हमेशा अपने घराने का ध्यान आएगा तेरे कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की रखवाली करने वाली हो, आएगा तेरे कलाम से तरबियत लेके अपने बच्चों की तरबियत करने वाली हो, क्योंकि ऐ खुदा अब तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने बच्चे की तरबियत कलाम के मुताबिक करता कि वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। हमें सिखा, हमारे ईमानों को मजबूत कर, हमें और सिखा ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत तेरे पाक कलाम के मुताबिक करें, ताकि ये बच्चे सरफराजी पाए जिस तरह ये दुनियावी तालीम में बढ़ते हैं, आयदा अगर ड्यूटियों पे जाते हैं इसी तरह तेरे कलाम में भी जी मार कर तेरे कलाम को दिलो जान से पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो और उसका एहतराम करने वाले हो और लोगों में जाकर तेरी गवाही देने वाले हो। अपनी प्यारी बहन की आसमिन फिदा के लिए भी दुआ मांगती हूँ, जिसके दिल में तूने औरतों के मुतलिक आयदा उनके लिए बोझ रखा है कि वो तमाम बहनों को साथ मिलाकर तेरी गवाही का, तेरी खुशखबरी का काम करे, तो अहदा तू अपनी बंदी के साथ हो, उसको और अकल दनाई और हिकमत और फहम अता कर, ताकि और तुझे नजदीकी से जाने और गहरे तौर से तेरे साथ जुड़ी रहे और तेरा आसमान उस पर खुला रहे, अपने पाक रूह का नज़ूल हमेशा उसके गिरता गिरत रहे, ताकि हमेशा वो तेरी याद तेरी इबादत में अहदार रहे। और अहदा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे घरानों के लिए दिन रात उससे गिरियाजारी करती हैं, तेरे सामने शफायत करती हैं, अहदा तो अपनी बंदी की दुआ पर हमेशा कान लगा अहदा, ताकि हमेशा वो बड़ी वफादारी के साथ तेरी इस खिदमत को जब तक वो जिंदा है ये करती रहे, तो सिर्फ तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, ताकि जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल करती है खुदावंद, इसी तरह वो हमारा भी ख्याल करती है, वो हमारी रूहानी माँ है, तो उसके साथ हो, उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, ताकि ऐ खुदा बाप वो हमेशा अपनी कलीसिया से इसी तरह प्यार करती रहे और अपने कलाम के भेद और खोल, ताकि वो हमें इसी तरह सिखाए, हमारी रहनुमाई इसी तरह अच्छे रस्तों पर करे। अब दुआ मांगती हूँ जो अभी बहनें नहीं आई, आने का इरादा रखती हैं, रस्ते में हैं, उनको भी बाहिफाजत अपने घर में लेकर आ, और आज के कलाम के लिए अभी से दुआ मांगती हूँ, जो आज का पैगाम हो, जो आज का कलाम हो, क्योंकि तेरा कलाम जिंदा है, तेरा कलाम मीठा है, तेरा कलाम कुदरत वाला है, जो बंद बंद और गुदे में से होकर गुजर जाता है और हमेशा असर दिखाता है। अर्थात हमेशा जब हम कलाम सुनते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे ईमान अर्थात और बढ़ता है और अर्थात हमारे निर्भरदारी आ जाती है, तो अर्थात हमेशा तेरे कलाम से लिपटे रहे, इसका एहतराम करें और अर्थात इस भेदों को याद रखें और दिन रात उठते बैठते चलते फिरते अर्थात इनको याद रखें। अब दुआ हमारी अर्थात इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, जो भला खुदा है, उसकी रहमत अबदी है, उसका प्यार निराला है, उसका प्यार यही उसकी वफादारी है कि वो कैसे कैसे हमें संभाले रखता है, जबकि आपको पता है कि हालात कैसे हैं, बेदीनी है, अफरा तफरी है, जंग जदल है, लोग परेशान हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखता है, वो अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है, इसलिए कि हमारे ईमान बढ़ते चले जाएं, हम और ज़्यादा उस पर ईमान रखें, उसमें मजबूत हों और उसके गवाह बने और उसकी गवाही देते रहें, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी दी, सांस बख्शी है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे कि आज खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करना चाहता है, वो आपसे बोलेगा, आपसे कलाम करेगा। सो हम कलाम की रहनुमाई में चलेंगे, हम पढ़ेंगे इमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में से इमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तब उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन आमीन। आज इन दिनों में हम जो सीख रहे हैं और हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की
आज जो हम सीखना चाहते हैं रूल कुल्स के काम यानी ईदे पैंती कोस के बारे में हम सीखेंगे। ईदे पैंती कोस के दिन क्या हुआ, किस तरह पाकरू का नजुल हुआ और किस तरह हमने ये पढ़ा है कि आठवीं आयत में कि उसका पाकरू जब रूल कुछ तुम पर नाजुल होगा तो तुम कुवत पाओगे, उसने वादा किया था तब तक तुम ठहरे रहना, रूल कुदस तुम पर नाजुल होगा और तुम कुवत पाओगे और जब तुम कुवत पालोगे तो फिर तुम यरूशलम, यहूदिया, सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरोगे, उसकी गवाही दे दोगे कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और वो जिंदा है, उसकी गवाही आप देंगे। जब रूल कुदस तुम पर नाजल होगा तुम कुवत पाओगे। जिस तरह हम देखते हैं कि जो 12 शागिर्द थे जो उस वक्त सारे मिल के दुआ कर रहे थे तो एक जमात की सूरत में वो बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे, लेकिन उस वक्त दुआ करते करते उन पर पाकरू का नजूल हुआ यानी पाकरू उन पर नाजल हुआ। तो यहां हम देखते हैं कि तुम्हें खुशखबरी की मनाती करने के लिए मौजों के लिए कुवत मिलेगी, खुशखबरी के लिए भी आपको कुवत मिलेगी, तुम कुवत पाओगे, खुशखबरी सुनाने के लिए तुम कुवत पाओगे, लोगों को गवाही देने के लिए तुम कुवत पाओगे, मौजजात जब खुदावन आपके वसीला से करेगा तुम कुवत पाके, पाखरू की कुवत पाके, दिलेरी पाके, फिर जाके खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा और खुदावन आपके वसीला से बड़े बड़े काम भी करेगा, मौजजात भी होंगे। उसने अपने शागिर्दों से ये वादा किया था कि तुम कुवत पाओगे और फिर जाके इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाओगे। और यहां हम देखते हैं कि जो उसकी खिदमत करते थे शागिर्द उन्होंने दुख भी सहे, इजारसानी भी हुई और फिर लिखा हुआ है कि उन्होंने बर्दाश्त भी किया। क्यों किया? कि खुदावन का पाक रूह उनके अंदर था जिसने उन्हें कुवत दी थी कि वो दुखों को बर्दाश्त भी करें, लेकिन उसकी गवाही भी दे, दुखों में से गुजर गए। आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े खादमों को हमने देखा, दुख उठाए, मुसीबतें, इजारसानी, तरह तरह की बातें भी हुई, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने दुख सहे, दुख उठाए, लेकिन पाक रूह उनके अंदर था, रूल कुछ उनके अंदर था जिसने उन्हें कुवत भी दी, दिलेरी भी दी और बर्दाश्त करने का फजल भी अता किया। और फिर जब बर्दाश्त किया तो फिर खुदावन ने उसे अपने जलाल के लिए उन सबको इस्तेमाल किया, उनके वसीला से मौजे हुए और बड़े बड़े काम होते थे। उसने पाकरू ने उनको इस काबिल बना दिया था। फिर लिखा हुआ है कि तुम गवाह हो, पहले यरूशलेम, तुम्हें यहां से शुरू करना होगा यरूशलेम और फिर अपने घर से शुरू करोगे। जिस तरह मैं कहती हूं कि बेशक मैं अपनी बहनों बेटियों को कहती हूं कि खुदा का कलाम आपको सीखना चाहिए, खुदा का कलाम आप आके सीखे, पढ़े और इसमें तरक्की करें ताकि अपने खानदानों के लिए ये कलाम, जिंदा कलाम ले करके जाएं ताकि आप उनके सामने, अपने घरानों के सामने गवाही दें ताकि वो बरकत पाए। ये नहीं है कि जरूर हमने पास्टर बनना है, आजकल कहना नहीं मुझे चाहिए पास्टर, पास्टर बनने की कोशिश, लेकिन मेरे ख्याल में जब हम खुदा का कलाम सीखते हैं, सेमिनरी करते हैं, बड़े बड़े खादिमों के पास जाते हैं, कलाम को सीखते हैं, हम कलाम इसलिए सीखें ताकि दूसरों में बांटे जाके, खानदान को बांटे, अपने घर के लिए भी हम सीखें, अपने बच्चों के लिए सीखें,
अपने बहन भाइयों के लिए सीखें, हमें अपने घर से इसकी गवाही शुरू करनी है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हें यहां से शुरू करना होगा और तुम्हारा नूर आगे सारी दुनिया में चमकेगा। जो कुछ आपने कलाम को सीखा, आपके पास पाकरू की कुवत, रूल कुछ की कुवत, उसकी दिलेरी है, तो ये नूर आपके साथ साथ होगा, ताकि जब जहां जाओ वो नूर जाके चमके वहां पर, लोग आजाद हो जाए, लोग कलाम को सुने, लोग बरकत पाए, लोग उस वो लोग उस बात पर ध्यान करें कि ये कलाम में से हमें बात समझाई सिखाई जा रही है। जब आपके अंदर पाखरू की कुवत होगी, दिलेरी होगी, मस्सा होगा, तो क्या होगा, लोग बरकत पाएंगे। कई दफा कहते हैं, कई लोगों को मैंने सुना कहते, उत्थे तो कोई मसा नहीं सी, उत्थे तो कोई बरकत नहीं सी, लेकिन ये कहने की बात है, जहां पाक रूह की कुदरत नाजल होगी, पाक रूह आपके अंदर होगा, तो फिर खुदावन का जलाल जाहिर होगा, लोग बरकत पाएंगे, लोग नजात पाएंगे। और फिर वहां एक और जो लिखा हुआ है, वहां से तुम सामरिया की तरफ बढ़ोगे और कमाल उस वक्त होगा जब दुनिया की इंतहा तक पहुंचोगे, यानी दुनिया की आखिर तक तुम पहुंच जाओगे, उसका जलाल जाहिर होगा, उसके गवाह बनोगे। हमने कोशिश करनी है, कोशिश करनी है कि हम उसके गवाह बने, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यहूदिया, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया और फिर सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक उसके कलाम को लेकर के जाएंगे, क्योंकि उसका पाक रूह हमारे अंदर और हमारे साथ साथ चलता है। यहां भी हमने ये देखा है कि शागिर्द यकदिल होकर दुआ कर रहे थे और शागिर्दों को भी जरूरत थी कुवत पाने की, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब तक पाक रूह की कुवत ना मिल जाए यहां ठहरे रहो, और जब पाक रूह उनकी ऊपर नाजल हुआ तो उन्हें कुवत मिल गई और वो इतने जोर से दुआ करने लगे, और फिर जो सुनने वाले थे वहां पर इतने लोग जमा थे, क्योंकि पाक रूह नाजल हुआ आंधी की तरह, आग की तरह नाजल हुआ, और वो गैर जबान ने बोलने, और इतने जोर से उन्होंने कलाम सुनाया कि जो गैर कौमों वाले भी वहां पे बैठे थे उन्होंने भी कलाम सुन के नजात पा ली, क्योंकि पाक रूह वहां पर नाजल था। आज भी हम जब तक पाक रूह की कुवत को अपने अंदर समा नहीं लेते, तब तक हम किसी के लिए वैसे बरकत नहीं बन सकते। खुदा से कुवत मांगो, दिलेरी मांगो, पाकरू की कुवत हर वक्त कहो, खुदावंद मुझे पाकरू से मामूर कर, मुझे लबरेज कर। जो हमें मामूर करता है, लबरेज कर देता है, तो फिर वो अपने जलाल के लिए भी हमें इस्तेमाल करता है, वो खुद इस्तेमाल करता है। तुम दुनिया की तहा तक मेरे गवाह होगे, खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, खुशखबरी उसकी सुनाओगे, रूल कुदस की कुवत पाकर उसकी आप गवाही देंगे। गवाही देने के लिए हमें क्या चाहिए, कुवत चाहिए, हमें इसकी जरूरत है। गवाही आगाज जो हम करते हैं वो यरूशलेम से करते हैं, जिस शहर से हमारे यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, वहां से शुरू किया, यानी यरूशलेम से, वहां पे यीशु को मसलूब, उन्होंने कहा यीशु को मसलूब यहां पर किया ना। सो इन लोगों को जरूरत है कि ये तौबा करें, ईमान लाएं कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, और जब ये तौबा करेंगे, ईमान ले आएंगे, तो फिर तुम आगे यहूदिया को जाओगे, फिर तुम आगे दुनिया के इंतहा तक, सामरिया तक आप जाओगे। वहां से उसने उन्होंने शुरू किया यरूशलेम से, कि यरूशलेम से हमने शुरू करना है, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक और यहूदिया तक जाओगे। वहां पर सबसे पहले उन्हें तौबा करने की दावत
दी गई थी यरूशलेम में। और जब लोग वहां पर आते हैं, देखते हैं कि आप बाइबल मुकद्दस ये माल की किताब अगर आप पढ़ें, आगे भी चलते जाए पढ़ते जाए, कि वो जो शागिर्द थे उस जमात की सूरत में बैठे हुए थे और इस इंतजार में थे कि उनके साथ वादा किया गया था कि पाकरू नाजल होगा। सो जब पाकरू नाजल हुआ तो उन्होंने कुवत पाई, उनके अंदर दलेरी आ गई, कुवत आ गई, उन्होंने दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाया, कुवत उनके अंदर आ गई, वो ना किसी चीज से डरे क्योंकि वो दलेर हो गए थे, क्योंकि पाकरू उनके अंदर था, पाकरू उनके साथ था। तो जब पाकरू साथ है तो फिर हम दलेर हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं उसकी गुआही देते हुए, हमें डरने की जरूरत नहीं कि हम उसकी खुशखबरी उसकी गुआही लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि पाकरू हमारे साथ है और हमें जरूरत है कि हम भी उन शागिर्दों की तरह अपने अंदर ये महसूस करें कि हमें इसकी जरूरत है, हमारी जिंदगियों में पाकरू की जरूरत है, हम फील करें अपने अंदर। और फिर जब हम पढ़ते हैं आगे एक और बात, रूल को उसके काम, योहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि वो किस तरह, 16 बाब और उसकी 13वीं आयत, आसना पढ़ेंगे, रूल को उसके काम के, रूल को उसके क्या क्या काम है। अकलामे से हमारे लिए आज की योहन्ना की किताब उसका 16 बाब उसकी 13वीं आयत, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें दे भी देगा। आमीन आमीन। कि हमने बाइबल मुकद्दस में से जो पाक रूह रूल कुद्स के बारे हम सीखना चाह रहे हैं कि जब रूल कुद्स नाजल होगा तो फिर हम देखेंगे रूल कुद्स के काम क्या हमारी जिंदगियों में, वो क्या क्या काम करता है। जिस तरह ये आयत आपके सामने पड़ी गई है कि रूह हक, रूह हक, इसके बारे जो हम सीखते हैं कि रूल कुद्स के काम क्या है। जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा लेकिन जो कुछ कहेगा वो ही कहेगा जो तुम्हें आइंदा की खबरें भी देगा। यहाँ हम खुदावन के कलाम में ये आयत जो हम सीखते हैं कि रूह के काम क्या क्या हैं, वो क्या काम है रूह को उसके हमारी जिंदगियों में, और हम इसमें से बाइबल मुकद्दस में से इसमें से सीख रहे हैं 13वीं आयत में कि वो सच्चाई की राह भी हमें दिखाएगा। कलामे मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि वो सच्चाई की राह भी हमें दिखाएगा और शागिर्दों को उसने तमाम सच्चाई और उनके सुपुर्द कर दी तमाम सच्चाई, और फिर शागिर्दों ने वो सच्चाई की बातें हम तक पहुंचाई। शागिर्दों ने क्योंकि वो सच्चाई की बातें उन्होंने सीखी रूह कुद्स के वसीला से, और फिर ऐसा हुआ कि फिर वो ही बातें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं सच्चाई, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब वो तमाम सच्चाई हमारे पास है, ये सच बात है कि तमाम रूह पाक तमाम जमानों में खुदा के लोगों को तमाम सच्चाई की राह दिखाता है और आइंदा की खबरें भी देता है जिनके साथ रूह कुद्स है, वो उन्हें आइंदा की खबरें भी देता है। आज भी खुदा के लोग कहते हैं कि रूह कुद्स ने मुझे ये राह दिखाई है, रूह कुद्स मेरी इस तरफ को रहनुमाई कर रहा, रूह कुद्स की सच्चाई ये मुझ पर मेरी जिंदगी पर नाजिल हुई है, रूह कुद्स ने ये मुझे हदायत की है। ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखे वो हमारी हदायत करता है, वो हमें सीधी राहों पर चलने की
तौफीक अदा करता है और आइंदा की खबरें भी वो हमें देता है और हमारे साथ साथ रहता है। और पाक रूह का सबसे बड़ा काम वो खुदा का जलाल जाहिर करता है और वो जलाल यीशु मसीह को मिलता है। ये रूह के काम है, इसलिए मुझी से हासिल करके तमाम खबरें तुम्हें देगा, वो लोगों तक तमाम खबरें, आइंदा की खबरें, आने वाली खबरें वो हमें देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह कुस को सच्चाई का रूह भी कहा गया है, इसलिए कि उसकी तालीम सच्ची है। मसीह की तालीम सच्चाई है, सच्ची है, जिस तरह लिखा हुआ सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये उसका कलाम जिंदा सच्चाई है। खुदा के लोग, खुदा के खादम अक्सर आपको कहते हैं ये कलाम सच्चा है, जो कुछ इसमें लिखा गया है वो सच्चा और बरहक है, और यही कलाम हमें आजाद करता है। हम मुश्किलात में हों, परेशानियों में हों, जब हम कलाम को सुन के उस पर अमल कर लेंगे, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढाल देंगे, उसकी राह पे चलेंगे कलाम के मुताबिक, वह हमें बहाल कर देता है, वह हमें आजाद कर देता है। इसलिए ये सच्चाई है। और फिर एक और जो हम सीखते हैं इसी में से, यूहन्ना 14:16 में मददगार, फिर यहां भी लिखा हुआ है 14:16 आयत में कि वो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें मददगार, दूसरा मददगार वो बख्शेगा, ये वादा किया उसने। 16 यूहन्ना आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 14:16 आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, ये अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा मददगार जो हम सीखते हैं, दूसरा मददगार, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार भेजेगा, मतलब है कि जो किसी की मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा होता है। मददगार को का मतलब है वकील। हम अदालत में जाएं तो हमें वहां पर मदद की जरूरत है, तो हमारी मदद कौन करेगा? वकील करेगा। सो हमें वकील की जरूरत है, पाक रूह हमारा वकील है, हमारे साथ खड़ा है, हमारी मदद करता है। पहले यीशु मसीह और दूसरा मददगार हमारा पाक रूह रूल कुद्स है, जो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें हदायत करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो हमारा वकील है, रूल कुद्स हमारा मददगार है, जो हमारे साथ साथ रहता, हमारे अंदर रहता। और फिर लिखा है कि रूल कुद्स के वो तमाम बातें आपको सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा, ये भी लिखा हुआ है। वो हमें बातें याद दिलाता है जब हम पाक रूह को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं आपने तजर्बा किया हुआ, आप ईमानदार हो, कलाम पढ़ने वाली हो, उस पर ईमान रखती हो, कि आप समझेंगे कि यहाँ पर आके इस बात में पाक रूह ने मुझे गाइड किया है, मेरी रहनुमाई करी कि मैंने इस राह पे नहीं जाना, मैंने इधर जाना है, मैंने वो काम नहीं करना, मैंने ये काम करना है जो मुझे पाक रूह गाइड करेगा। और फिर हम बुराई से बच जाते हैं, बदी से बच जाते हैं, बेदीनी से बच जाते हैं, बुरे ख्यालों से बच जाते हैं, किसी और राह पे नहीं हम भटकते, क्योंकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमें जिंदगी की राहों पर लेकर के चलता है। सो हमें जरूरत है कि हम खुदावंद से पाक रूह मांगे। आप जब हर रोज दुआ करती हैं तो हर चीज आप मांगती हैं खुदावंद से, हिकमत मांगती, दानाई मांगती, बरकत मांगती, सरफराजी मांगती है अपने बच्चों के लिए, खानदानों के लिए, लेकिन एक बात ये भी है कि आपको ये दुआ करनी है कि खुदावंद मुझे पाक रूह की कुव्वत अता कर,
मुझे पाक रूह की कुवत अता कर, मैं पाक रूह को अपने अंदर लेके तेरी तमाम बातों को सीखूं और दलेरी के साथ तेरी गुवाही दूं। मुझे जरूरत है हर रोज इस कुवत को मांगे, इस पावर को मांगे पाक रूह की। खुदावंद मुझे लबरेज कर, खुदावंद मुझे जरूरत है पाक रूह की, क्योंकि तेरा पाक रूह मुझे हदायत करता है, मेरी रहनुमाई करता है, मुझे दलेरी देता है। अपने खानदानों के लिए भी हमें जरूरत है कि हमारे अंदर पाक रूह होगा तो वो ही हमें हिकमत और दनाई भी देगा, फिर हम अपने खानदानों को संभाल सकेंगे, समेट सकेंगे और दनाई और हिकमत के साथ हम उनके साथ चल सकेंगे। हमें जरूरत है हर रोज खुदावंद से दुआ करते ये कहना है कि खुदावंद मुझे पाक रूह की मामूरी अदा कर, मैं लबरेज होना चाहती हूँ, मुझे पाक रूह से भर दे ताकि ये पाक रूह की कुवत पाके मैं तेरी गवाह बन जाऊं, मैं तेरी गवाह बनूं। हमें जरूरत है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है रोमियो 8:26-27 आयत में, अगर हम पढ़ते हैं 26 अजरा पढ़ेगी और 27 आयत अलिस्बत पढ़ती है। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन। ये जो आयात आपके सामने पढ़ी गई है पाक रूह के बारे में, कि पाक रूह हदायत करता है, हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। हम जिस तरह की लाइफ में किसी वक्त इधर उधर भटकने लग जाएं, लेकिन पाक रूह हमें ज्ञात भी दिलाता है, हमें गाइड भी करता है, फिर वो हमारी नीतों को भी जानता है कि हमें किन चीज़ों की जरूरत है, परखने की जरूरत है, वो हमें हदायत करता है। और फिर लिखा हुआ है बल्कि हमारी शफात भी करता है, पाक रूह आहें भर भर के हमारी शफात करता है। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या मर्जी है ना, कि पाक रूह जानता है। हम तो अपनी मर्जी उसके आगे रखते हैं, लेकिन पाक रूह की मर्जी के मुताबिक उसके मुआफिक हमने चलना है कि उसकी क्या नियत है हमारे लिए, वो किस राह पे हमें लेकर के चलेगा, किस जगह पे उसने हमें दलेर करना, कुवत देना और हमें हदायत करना है, और फिर वो हमें याद भी दलाता है इन सारी बातों को। पाक रूह की क्या मर्जी है, पाक रूह कमजोरी में भी हमारी मदद करता है। कई दफा हम कमजोर पड़ जाते हैं, परेशान हो, हालात ऐसे आ जाएं, बेशक हम ईमानदार हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, उस पर तवक्कुल करने वाले हैं, और बड़े बड़े ईमानदारों को मैंने कमजोर होते देखा, लेकिन जब खुदावंद का पाक रूह साथ है आपके, तो वो कमजोरी की हालत में भी आपको जोर बख्शेगा, वो दलेरी बख्शेगा, वो आपको मजबूत करेगा। आजमाइशें दुख आते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, रासबाज लोग जब महसूस करते हैं कि यहाँ पर मैं कमजोर होने लगा हूँ, जब वो अपना तवक्कुल खुदावंद पर कर लेता है, तो फिर वो कमजोरी की हालत में उसे जोर बख्शता है, पाक रूह उसे गाइड करता है, पाक रूह उसे हदायत करता है, पाक रूह उसकी रहनुमाई करता है, उसे दलेर करता है और उसे गिरने और ठोकर खाने से बचा लेता है। सो हमें पाक रूह की जरूरत है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार
दूंगा जो तुम्हारा वकील होगा, तुम्हारा मददगार होगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और आपके साथ खड़ा होके वो आपको जिंदगी की राहों की तरफ गाइड करेगा, रहनुमाई करेगा, बचाएगा, ठोकर खाने से बचाएगा, अबलीस की तासीरों से आपको बचाएगा, उसके चलाकियों से आपको बचाएगा, जो हमारे साथ पाक रूह हमारा दूसरा मददगार वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाक रूह कमजोरी की हालत में भी हमारी मदद करता है, दुआ में भी रहनुमाई करता है कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है हम नहीं जानते, दुआ से बड़े जोर ना करने, लेकिन कई बार ये नहीं होता, दुआ से अपने मतलब ही करने है ना, एनु बरकत दे, एनु बरकत दे, उन बरकत दे, एनु भी छड़ दे, जिधर तक गुस्सा या नफरत उसका बीच में से पत्ता काट देते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन दुआ करने में भी वो हमें हमें हमारी रहनुमाई करता है, हम अपने मतलब की दुआ करते हैं, फलाओं को बरकत दे, फलाओं को बरकत दे, फलाओं को बरकत दे। लेकिन मैं हर दफा एक बात याद करती हूँ, और बड़ी देर से मेरे अंदर ये बात है, कलाम में मैंने वो आयत पढ़ी है और मेरे आज तक मेरे खुदावंद ने ऐसे मेरे दिमाग में फिट कर दी है कि तू अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर, दुश्मनों के लिए भी दुआ कर, और फिर ये भी लिखा हुआ है तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर और उनके सर पर अंगारों का। मेरे जहन में है मैंने दुआ करनी है लेकिन खुदावंद उनको बचाएगा, खुदावंद उन्हें बरकत देगा। हमारा काम, हमारी ड्यूटी दुआ करना है। दुआ करते करते हमने बीच में नफरत नहीं ले आनी, हमने पूरे लायक तौर पे कि पाक रूह हमारे साथ है, हमारा मददगार हमारे साथ खड़ा है इधर, और हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हम मददगार को नहीं देख रहे, साडा वकील कौन खड़ा है, असी वकील तो बगैर इधर जाओ उधर जाओ उधर है, अपनी मर्जी से हम दुआएं करते हैं। लेकिन यहाँ हमने उसकी रहनुमाई में चलना है कि हमें किस तरफ जाना है, यानी हम जानते हैं हमारी दुआया जिंदगी कैसी है, खुदगर्जी, नादानी, तंग नजरी, जिसमें ये सब कुछ शुमार होता, ये भी है तंग नजरी, किसी ने कहना ऐदली ने दुआ करना एदा ना वो चाल चलन ठीक नहीं, ऐदा ना रवैया साढ़े ना ठीक नहीं, ना ठीक हो, लेकिन खुदावंद ऊपर बैठा आपके साथ खड़ा, वो हमारी दुआया जिंदगी को देखता है। जब पाक रूह हमारे साथ है तो फिर हमने इस तरह की दुआएं नहीं करनी, खुदगर्जी की दुआ नहीं करनी, सबके लिए हमने दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद का रूह आपके साथ साथ है जो आपको गाइड करता है। मगर यहाँ भी रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, हमें आगे बढ़ाता है, उस कमजोरी में हम दुआ कैसे करते हैं वहां से हमें बचाता है और फिर हमें आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ो, एंजी दी दुआ सुनी जाएगी, ऐ तोड़ी पुकार सुनी जाएगी, हर एक लिए आप जहन में रख लो दुआ करते करते। कलाम में लिखा अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, फिर आप कभी भी नहीं खुदगर्जी की दुआ करो, आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा, नहीं हो खानदान एदली में कर लिया, ऐस खानदान लिए नहीं में कर लिया, साढ़े ना ठीक नहीं। कलाम में लिखा अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, क्योंकि पाक रूह कमजोरी की इस हालत में कि हम कमजोर हो गए, यहाँ पे खुदगर्जी की दुआ है, मतलब की दुआ है, खुदप्रस्ती की दुआ है, खुदावंद उसका पाक रूह हमारे साथ खड़ा है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें हदायत करता है कि तुम्हें इस तरफ जाना है। सो हमें ज़रूरत है कि हम पाक रूह की कुवत हर रोज़ मांगे, हर रोज़ मांगे कुवत, दलेर हो जाए, दलेरी से उसके गवाही दे, लोगों को बताओ, जिस तरह पतरस और उसके साथ उसके शागिर्द दोस्त सारे जब कलाम दुआ कर रहे थे, उन्होंने पाक रूह को हासिल करना था,
तो उन्होंने दलेरी से दुआ की और जब कुवत मिल गई, दलेरी आ गई, तो फिर क्या हुआ, गैर कौमों ने भी आके वहां पर तौबा कर ली और नजात पा गई और बाकरू से मामूर हो गए और गैर जबाने बोलना शुरू हो गए। सो हमें भी जरूरत है, हम अपनी कलीसिया में जो इस वक्त खुदा का कलाम ये बातें सुन भी रही है कि आपको हर रोज दुआ करते हुए ये दुआ करनी चाहिए कि आए रूह पाक मेरी रहनुमाई कर, मुझे हर रोज पाक रूह की जरूरत है, मुझे लबरेज कर, मुझे मामूर कर, तेरा पाक मेरे अंदर सुकूनत करे, जो मुझे सिखाता है, मेरी रहनुमाई करता है, मुझे दलेरी देता है। और फिर ये भी है कि वो आहें भर भर के हमारी शिफात करता है। कई दफा ऐसा होता है कि हम भी, आप सब बहनें, आप सब लोग, कभी कभी हम दुआ करते हैं आंसुओं के साथ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, आंसू गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, दूसरी जानों के लिए भी, परेशान लोगों के लिए भी, बीमार लोगों के लिए, जो खुदा से दूर हैं, उनके लिए भी हम रो रो के और गिड़गड़ा के हम दुआ करते हैं। पाखरू आहें भरता है, लेकिन हम भी आहें भर भर के उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। पाखरू हमारी शिफात करता है, हमारे लिए आहें भरता है, जिस तरह हम आहें भरते हैं वो भी आहें भरता है हमारी शफात के लिए, हमारी नजात के लिए वो आहें भरता है। और जिस तरह लिखा है, पाक रू की नियत को भी वो समझ सकता है। हमारी खातर रू की दुआया दुआएं हमेशा खुदा की मर्जी के मुआफिक होनी चाहिए, और वहां जब पाक रू के मुआफिक हम दुआ करेंगे, रूल कुछ को हम मौका देंगे कि हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो, हमारे अंदर सुकूनत करे, तो वो हर जगह पे हमारी भुलाई जाता है। आहें जब वो भरता है तो वो हमारी भुलाई जाता है। और आपने तजर्बा किया होगा कि जब आप आहें भर भर के आंसू के साथ दुआएं करते हैं, रोते हैं, तो आपने फील किया होगा कि आपका दिल किस तरह हल्का हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, कि मैंने आप ये सिर्फ आपको पता है मैंने किसके लिए आहें भरी हैं, मैं किसके लिए शिफात कर रही हूँ, तो आपके दिल में एक अजीब किस्म का इत्मीनान आ जाएगा, तसल्ली आ जाएगी, क्योंकि खुदावंद पाखरू आपकी नीयत को जानता है, नीयत के मुताबिक हमें अजर देता है, वो हमारी बुलाई जाता है। सो आप सबसे मैं कहूंगी कि आप दुआ करते हुए हमेशा पाखरू की मामूरी मांगे, खुदावंद मुझे मामूर कर, कि पाखरू हमारा मददगार है, उसने वादा किया मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, फिर उसने कहा कि तुम कुवत पाओगे, पाखरू नाजिल होगा और तुम कुवत पाओगे, और फिर लिखा हुआ है कि वो आपको सच्चाई की बातें भी बताएगा, वो आपको हदायत भी करेगा, वो आपकी रहनुमाई भी करेगा, वो आपको दिलेरी भी अदा करेगा जब पाक रूह आपके साथ साथ होगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद के कलाम, ये कलाम की बातें हैं, उसकी सच्चाइयां हैं, कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हम खुदावंद के पाक कलाम पर पूरे लायक तौर से उस पर अमल करते हैं, तो ये कलाम हमें आजाद करता है, हमें बहाल कर देता है, हमें आजाद कर देता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम में से आप सीखते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, और ज्यादा उसके फजल में आगे बढ़ते चले जाओ, उसके गवाह बन जाओ, जिस तरह कलामे मुकद्दस में लिखा है, दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बन जाओ। सो हमें गवाह बनना है,
यरूशलम से शुरू करो, क्योंकि आपने सुना यरूशलम क्या है। अपने घर से शुरू करो, यहूदिया, सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक उसका जलाल जाहिर करो। खुदावन आप सबको बरकत दे, कलाम के सुनने वालों को जिन्होंने खुदा का कलाम सुना है। कलाम हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है और पाक रूह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बख्शिश है। लोगों ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि जो पानी का बपतिस्मा लेता है फिर रूह को तुम इनाम में पाओगे। मांगो, खुदावंद मुझे ये इनाम अता कर, मैं इस इनाम को हासिल करना चाहता हूं। रूह को तुम इनाम में पाओगे, ये हम सबको जरूरत है कि उसका पाक रूह हमारे साथ साथ हो, दूसरा मददगार हमारे साथ साथ हो जो हमारी वकालत करेगा, हमें हदायत करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें जिंदगी की राह पर लेकर के चलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ भी करेंगे, बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे, और फिर अगर किसी की कोई दरख्वास्त है तो हम उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। परेशानी की हालत में है, आजमाइश में है, किसी दुख में है, हम सबके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त इस रिफाकत में जो आती हैं बहनें, वो इसीलिए आती हैं कि हम सब मुतफिक होकर सबके लिए दुआ करें। सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए कर ली, उसके लिए कर ली, उसके लिए कर ली, बाकी छोड़ दिया। हम सबके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद सबको अपने खून खरीदे लोगों को, जिसके लिए यीशु ने अपना खून बहाया, हम सबके लिए दुआ कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, शिफात कर सकते हैं, दिलेरी के साथ उसके जलाल के तख्त के पास आके उसके कदमों में हम झुक सकते हैं। हम एक दो दुआएं करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, और फिर इसके बाद मैं दुआ करूंगी, और दुआ के लिए मैं कहूंगी नबीला से, आप सारी बहनें मिलके छोटी छोटी शुक्रगुजारी की दुआएं करें। सो नबीला आप दुआ करें, दुआ में रहनुमाई करेंगी, और फिर इसके बाद अजरा, और फिर इसके बाद छोटी सी दुआ नौमी। आज के सारा दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए, इन नियमतों के लिए, इन बरकतों के लिए, और खुदावन इस सेहत के लिए जो तूने हमें बख्शी है खुदावन, ताकि हम तेरे घर में आए, तेरा कलाम सुने और बरकत पाए। खुदावन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए खुदावन, एक एक को छू और बरकत दे। मुसीबत जिनकी जो भी परेशानी है खुदावन, जो हमें देख रहे हैं खुदावन, इस कलाम से बरकत पाए खुदावन, और तेरे नाम की गवाही दे। ताकि हम लोगों को जाके तेरा कलाम सुनाने वाले बने। जितनी भी बहने यहाँ तो बैठी हैं और जो नहीं आ सकी खुदावन, उन सबको भी बरकत दे। खुदावन जिनके जो भी मसले हैं खुदावन, तो उनको हल कर, अगर कोई बीमार है खुदावन, तो उन्हें शिफा दे। मांगते तेरे मीठे और मुकद्दस नाम से, आमीन। 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 कदूस रब अल्फाज, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए, मौका के लिए खुदावन, पाक कलाम के लिए खुदावन, जो है खुदावन जिस पाक कलाम ने हमारे दिल पर है खुदावन, खुदावन ठोकर लगाई है खुदावन, दिल में घर कर गया है खुदावन हमारे अंदर है खुदावन, तो अपनी सारी बातों को है खुदावन अमल करने वाला हमें बनाना है खुदावन, जो हमने सुना है खुदावन उस पर अमल करें है खुदावन। खुदावन शुक्र करती हूँ पाक रूह के लिए खुदावन, जिसको तूने हमारा मददगार बनाया है खुदावन,
खुदम जो हमारे लिए आहें भर भर के है खुदम शिफायत करता है हमारी है खुदम, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदम। ऐ खुदम तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है खुदम, ऐ खुदम तो खुद आसमान पर गया और हमारे लिए है खुदम पाक रूह को छोड़ के गया ताकि वो हमारी शिफायत करे, हमारी रहनुमाई करे है खुदम, ताकि हम गुमराह ना हो जाएं खुदम। तेरा शुक्र करती हूँ खुदम, तू हमें हर वक्त संभाले रखता है खुदम। मैं खुदाम अपनी रूहानी माँ के लिए दुआ करती हूँ खुदाम, जो हमें गाइड करती हैं खुदाम, इतना अच्छा पाक कलाम सुनाती हैं खुदाम। मैं खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम, तो अपनी बंदी को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हिम्मत ताकत और कुव्वत देना है खुदाम, उम्र की दरासी देना है खुदाम, इसी तरह वो खवातीन में काम करती रहें और हमारी रहनुमाई करती रहें खुदाम। तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम, जो मांगा वो पा लिया। आमीन। फिर इसके बाद अगले को दिन मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस मौका के लिए, इस जगह के लिए जो तूने मुबारक हमारे लिए दी है, ताकि हम सब यहाँ आए और अपनी अपनी दरख्वास्तें तेरे आगे रखें और शुक्रिया अदा करें, ताकि तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। तू मुबारक है, तो सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबकी ख्वाहिशों को तो जानता है, दुआओं को जानता है, तो उन्हें सुन और कबूल कर। और मैं खुदावन दुआ मांगती हूँ पास्टर के लिए, पास्टर यास्मीन के लिए, कि वो इतना अच्छा कलाम सुनाती है, इतने अच्छे तरीके से समझाती है कलाम को, कि हमें वो याद रहता है अगले दिन तक। तो उन्हें और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा हिकमत दे, ताकि वो हमें और अच्छे तरीके से कलाम के बारे में समझा सकें और हमारे ज़िंदगियों को बदल सकें। या खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस सारी प्यारे खुदा मीटिंग के लिए जो हमारे लिए मुहैया की उन्होंने, ताकि हम यहाँ हर बुध को आए और शामिल हों और नई जिंदगी पाए कलाम के जरिए से। या खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे सारे इस इंतजाम के लिए, इस जगह के लिए, इसको और बरकत दे और आगे बढ़ा। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी इस छोटी इस दुआ को सुनना और कबूल करना। तेरा शुक्रिया। आसमानी बाप है, बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, जो आपने हमें बख्शा। बेशक एक कुदूस बाप आप ही हैं, एक कुदूस बाप इस आप ही हमें जिंदगी बख्शते हैं। बेशक बाप आप उन लोगों को भी जानते हैं जो बयान करने से काशिब हैं, आप बख्शते कर्म कर दो, इस कर्म के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, स्ट्रेंथ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। कुदूस बाप हम तो इस काबिल भी ना थे कि आपके हुजूर तक पहुँच सके, बेशक है बाप आपने बख्शा, ने कर्म किया, इस कर्म के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुदूस बाप इस कलाम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कुदूस बाप इस तरह ये कलाम हमारी जिंदगी में झड़ पकड़े और कुदूस बाप आगे जिंदगी में हमारे काम आए। कुदूस बाप हमें कभी भी आप अकेला नहीं छोड़ते, बेशक आप ही हमारे खुदा रहनुमाई करते हैं। शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, इसी तरह जितने भी लोग हैं मौजूद हैं सबको बड़ी बरकत से और एक कुदूस बाप हमें और फजल बख्शना कि आपके कलाम को और गहराई से समझ सके, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मदद फरमाता है यीशु नाम में। आमीन आमीन। अब हम दुआ करेंगे सब के लिए, बीमारों के लिए भी, ज़रूरतमंदों के लिए है भी मैं दुआ करूंगी, और वे औलाद जोड़े जो अक्सर हमें कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, माइकल बट्टी के लिए, माइकल बट्टी के लिए, बट्टी के बीमार है, बीमार है, उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावन मौजज़ाना कुदरत के साथ उसे शिफा दे। आए हम दुआ करें। आए बहरोबर के खालिक और मालिक, जमीन और आसमान के मालिक, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू जो खुदावंदों का खुदा है, इलाहों का बाप है, सलामती का शहजादा है, सारी कायनात का खालिक और मालिक, हमारी जानों का लंगर है,
हर रोज हमें संभालता है, हर रोज हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें हर तरह की तकवीयत अदा करता है अपने कलाम के मुताबिक। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरी बरकतों को याद करती हूँ, तेरी नेमतों को याद करती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तो उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करना। हम याद करते हैं हर एक नेमत बख्शिश के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावन आज के दिन के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मौका दिया कि हम तेरी पाक हजूरी में आके तुझे सिजदा ताजीम पेश करें, शुक्रगुजारी के नजराने तेरे कदमों में रखें, और खुदावंद इस रिफाकत में आके खुदावंद जो तुझसे तकवीयत पाई है उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि तेरी हजूरी में ही तकवीयत मिलती है, तेरे कलाम से तकवीयत मिलती है, तेरे कलाम से जोर मिलता, कुवत मिलती, दिलेरी मिलती है, और वो तेरा जिंदा पाक कलाम हमें हदायत करता है, हमें जिंदगी की राह पर ले चलता है। तेरे कलाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, जो तू अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, अपने भेद खोलता है, तेरा शुक्र करती हूँ। भाई खुदावन मैं दुआ मांगती हूँ उन बीमारों के लिए जो हमारी कलीसिया में कोई बीमार है, और कहीं पे भी कोई बीमार है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, तू जानता है खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और उनको छू, उन्हें उठा खड़ा कर, क्योंकि तू मौजजात का खुदावन है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बीमारों को शिफा देता है। दुआ मांगती हूँ माइकल भट्टी के लिए, बीमार है, आई खुदावन अपने बंदे को मौजजाना कुदरत के साथ उठा खड़ा कर, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है, वो ईमान के साथ तेरे कदमों में आया, उसे शिफा दे। दुआ मांगती हूँ खुदावन उन बेऔलाद जोड़ों के लिए जो अक्सर हमें दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं, उनके लिए मैं शिफा करती हूँ। खुदावन तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है, तो खुदावंद इनकी दुआओं को सुनना और उन्हें औलाद जैसी नेमत से मालामाल करना, खुदावंद उन्हें औलाद अता फरमा, मौजदा कर, ताकि ये तेरी गुवाही दे, तेरे गुवाह बने कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो मौजजात का खुदा है, तो अपने लोगों को ईमान की तकवीयत अता। दुआ मांगती हूँ इस कलीसिया के लिए, एक एक फर्द के लिए, एक एक जान के लिए, एक एक घराने के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन खानदानों को बरकत दे, जानों को बरकत दे, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बेदारी की रूप अदा कर खुदावंद, ताकि ये तुझे और जाने और तुझे पहचाने और तेरी राहों पर चले, तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करें, तेरे कदमों में झुकें और तेरे पास आके शुक्रगुजारियां करते रहें। इन सबको बरकत दे। दुआ मांगती हूँ एक एक बहन के लिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तू सबको जानता है, नाम बनाम तू सबको जानता है, इनके खानदानों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, बीमारी से इन्हें आजाद रखना, और खुदावंद तेरी शादमानी इन खानदानों पर हो, खुशहाली हो, सरफराजी हो, ईमान की मजबूती हो, बेदारी हो इन खानदानों में। ऐ खुदावंद इन खानदानों को, इन बहनों को, इनके घरानों को तो बरकत देना, तुझ में कायम रहे, तुझ में बढ़ते चले जाए और तेरे ही नाम को अव्वल दर्जा दे, तेरी तरफ रुजू लाए, जो तेरे घर में जहां कहीं भी तेरे पास आना पसंद नहीं करते, उनके जहनों को खोल, उन्हें कायल कर, उन्हें मायल कर, वो तेरी तरफ रुजू लाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है वो रुजू लाएंगे तो उनकी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। इन्हें भी कायल कर के वो तेरे घर में आए, अपने खानदानों समेत, अपने घरानों के साथ इन्हें बरकत दे। दुआ मांगती हूँ जिशान के लिए, उसके खानदान के लिए, खुदावंद अपने बच्चे को और ज्यादा हिकमत और दानाई दे और पाक रूह उसे गाइड करे,
उसकी रहनुमाई करे और तेरी रहनुमाई में वो चले और तेरी रहनुमाई में वो खुदावंद तेरी खिदमत करे और तेरे पीछे चले। हम सबको तो अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना। मैं सारे उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो सेवन स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते, हमें वॉच करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। एक एक घराने खानदान रूह के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन सबको बरकत दे ताकि तेरे कलाम को सुन के वो दूसरों तक पहुँचाने का सबब बने। तेरी गवाही दे कि तेरे कलाम में जो लिखा है वो परफेक्ट है, वो सच्चाई है। तेरी सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाए। इनकी मदद कर, इन्हें बरकत दे। आई खुदा इस वक्त तो मेरी ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तमजीद। इसी तरह हम उसकी बारगाहों में आते रहेंगे, झुकते रहेंगे और हर वेनेसडे को आप हमारे साथ शामिल हों, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, इस रफाकत में आए, तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।